तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग साइट पे अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा मेन जो काम है माइनर ब्रिज का काम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर ये है राहुल चामले, और इनके द्वारा ये पूरा ब्रिज बनेगा। और अभी आप देखेंगे ब्रिज हमारा पुराना ब्रिज है, और इसको हम लोग पूरा डिसमेंटल करके इसको नया बनाएंगे। अभी देखने से 1 2 3 स्पैन का ब्रिज है, बाकी अब हमारा ड्राइंग में प्रपोज जो दिया हुआ है वो हमारा 2 स्पैन का है, 2 स्पैन का ब्रिज है, और उसमें हमारा 12 12 मीटर का स्पैन दिया वाला है। तो ये आप शुरू से देख लीजिए, इनसे हम पूरा टेक्निकल जानेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका ड्राइंग के हिसाब से, क्या दिया है? सर ये तो पूरा टोटल ड्राइंग है, इसमें दिया है 12 12 मीटर का 2 स्पैन है, अभी अभी वाला जो है वो 7.5 7.5 मीटर के 3 स्पैन है। ओके, तो अभी जो नया डिजाइन आया है उसमें 12 12 मीटर का 2 स्पैन दिया है। ओके, इसमें से अबेटमेंट दिया है 650 mm का और पियर दिया है 400 का। ओके, रिटर्न वॉल दिया है 10.5 मीटर का, और बाकी जो हाइट में है 6 मीटर तक जाएगा लगभग। ओके, तो इसका आपने प्लानिंग कैसा किया है, कैसा करने का है? सर अभी तो हम डाइवर्जन बना रहे हैं, वहाँ से गाड़ी जाएगा बाहर से, और फिर एकदम परफेक्ट होने के बाद हम इसको डिसमेंटल करेंगे। ओके, अभी आप हमको ये बताओ, इसमें से ये जो हमारा इनवर्ट लेवल है कौन सा लेवल पे जा रहा है? इनवर्ट लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये अगर चीज़ डिसाइड नहीं हुआ तो आपका वाटर लॉगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ब्रिज को भी डैमेज करता है। तो इसका ये जो पुराना वाला ब्रिज है, इसका इनवर्ट लेवल तो कहीं दिख नहीं रहा है, राफ्ट हो सकता है नीचे। नया वाला का हमारा इनवर्ट लेवल कौन सा जगह पे आ रहा है? नया वाला का इनवर्ट लेवल अभी इस एग्जिस्टिंग जगह पे आ रहा है। ओके, इसका पहले का बह के गया है टोटल। हाँ हाँ हाँ, अभी पूरा खराब हो गया है, ऊपर नीचे है, तो हमने एवरेज में पकड़ के इनवर्ट लेवल चेक किया है, तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा। ओके, मतलब इसका जो इनवर्ट लेवल है ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे, जिससे पानी अपना स्मूथली चला जाएगा। और इसका जैसे फाउंडेशन हम लोग देख रहे हैं, ओपन फाउंडेशन दिया हुआ है, पाइल फाउंडेशन नहीं है, ओपन फाउंडेशन दिया हुआ है। तो जस्ट आप इसको ग्राउंड लेवल करके उसके बाद में राफ्ट और पीसीसी का जो अपना डेप्थ है उतना एक्सकवेशन चालू कर देना है। ठीक है, उसको अभी करने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम सर अभी डिसमेंटल करने के लिए 4 दिन तो लगेगा। ओके, 4 दिन से एक्स्ट्रा लग सकता है, जो अपना स्लैब है इसके लिए तोड़ने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। ओके, क्योंकि उसमें स्टील होता है सब, कंक्रीट तोड़ना, फिर उसका मटेरियल शिफ्ट करना। और इसमें लेबर टीम का क्या रोल है, कितना लेबर लगता है, मेसन कितना लगेगा? सर कम से कम लेबर लगेगा 20 25 तो लेबर लगेगा मिस्त्री पकड़ के। ओके, तो उसका यूनिट हम लोग पहले से ही अपना इंस्टॉल कर चुके हैं इधर, उनका रहने के लिए सब कुछ रेडी हो गया है। तो अभी ऊपर देखेंगे हम लोग इसका डाइवर्जन कैसा तैयारी है, उसके बाद किधर से ट्रैफिक को एक्सिस्टिंग ब्रिज है, देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे इससे हमारा ट्रैफिक चल रहा था, अभी ट्रैफिक मूवमेंट हम लोग पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। और ट्रैफिक मूवमेंट के बाद एक साइड से हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सेवेशन भी किया है, ताकि गाड़ी उधर से स्लो आए, डायरेक्ट स्पीडली ना आए अपना डाइवर्जन पे जाने के लिए, पहले ही स्लो हो जाए उसके बाद में डाइवर्जन पे आए। और ये पूरा हमारा पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है, साइड से हम लोग डाइवर्जन बना के रखे हैं। और उसके बाद में देखिए हमारा सब कुछ उधर हाईवे का काम चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे उधर हाईवे का काम चल रहा है, पीछे में भी हमारा हाईवे का काम चल रहा है, और ये स्ट्रक्चर का ये वाला पोर्शन है, और इसमें पूरा पूरा रोल इसमें हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर का रहता है। तो अभी आपका कल से नेक्स्ट प्लानिंग आप बता दीजिए, पहले तो कैसे करने वाले हैं? सर अब हम यहाँ पे डाइवर्जन पे ट्रैफिक जा रहा है अभी, तो इसको देखते हुए अभी लग रहा है कि अच्छा डाइवर्जन बना है, मतलब गाड़ी अटकेगा नहीं, कुछ आराम से चला जाएगा, चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम कल इसको डिसमेंटल करना स्टार्ट कर देंगे, तो पहले तो ये सब ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे, रेलिंग वगैरह सब निकाल देंगे, फिर उसके बाद ब्रेकर लगा के स्लैब तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसमें से कुछ रीयूज की मटेरियल निकलती है क्या, अभी जब आप डिसमेंटलिंग करेंगे तो इसमें से मटेरियल कुछ ऐसा निकलेगा जिसको आप रीयूज कर सकते हैं? रीयूज के लिए तो स्टील निकल सकता है, उसमें स्टील ज्यादा है। नहीं, रीयूज आप स्टील नहीं कर पाए, स्क्रैप कर सकते हैं। पत्थर है नीचे, पत्थर का पियर है इसका, इसलिए हम इसको पिचिंग के लिए लगा सकते हैं। हाँ, नया वाला वो देखिए, ये जो आपका एसएम का है, पुराना स्ट्रक्चर जो है स्टोन मशीनरी का है, उसको में से जो निकला हुआ पत्थर है वो हम लोग अपना एप्रोन में यूज कर सकते हैं पिचिंग के लिए। ठीक है, वो प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट इसमें से हमारा ऐसा यूज वाला कुछ भी चीज़ नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत इसमें से WMM बैक फिलिंग का मटेरियल निकलता है, वो हम लोग साइड शोल्डर वगैरह में यूज कर सकते हैं। बाकी कॉन्क्रीट का जो ब्लॉक्स निकलेगा वो भी हमारे यूज की चीज़ें नहीं होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना जो अप्रोचेज रहता है उस हाई इम्बैकमेंट में उसको साइड स्लोप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें टेक्निकली स्पेसिफिकेशन वगैरह आपने स्टडी किया होगा, इसमें कितना स्टील का क्वांटिटी लग रहा है लगभग? सर इसमें लगभग स्टील का क्वांटिटी लग रहा है 104 टन के आसपास में हमारा टोटल क्वांटिटी है स्टील का, जैसे हमने पूरा अपना स्टडी किया 104 टन का क्वांटिटी लग रहा है, उसमें से
25 mm हमारा मेजर क्वांटिटी है, 36 टन के आसपास में अपना 36 टन अपना मेजर क्वांटिटी जो है 25 mm स्टील का है, ठीक है। 25 mm स्टील के बाद में इसमें हमारा जो है 16 mm का है, 25 स्टील जो रहेगा वो हमारा मेन वर्टिकल बार रहेगा और अवार्डमेंट में जाएगा, पियर वगैरह के लिए हमारा 16 mm का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर बार है वो 10 mm का दिया हुआ है, राइट। हाँ, तो ये चीज इसमें स्टील लगने वाला है, बाकी इसमें कंक्रीट वगैरह जो दिया है हमारा M25 यूज करने वाले हैं, M25 क्रॉस बैरियर के लिए M35 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग हम लोग प्रोसेस एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाएंगे, कैसे हमने एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन के टाइम में भी आपको हम लोग वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे एक्सकवेशन करते हैं, फिर उसके बाद PCC, उसके बाद राफ्ट, स्टील फिक्सिंग, सब कुछ आपको स्टील कैसे कट करना है वो एक एक चीज हम आपको दिखाते जाएंगे। और फाइनली मैं टारगेट देता हूँ अपने तरफ से 2 महीने में ये ब्रिज मैं अपने तरफ से रेडी करके दे दूंगा और आपको दिखाएंगे भी 2 महीने में हम लोग कंप्लीट करके, फिर मिलेंगे इसी जगह पे। जय हिंद, जय भारत।